Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नवाज शरीफ 19 सितंबर को हाजिर हों, एहतसाब अदालत ने नोटिस जारी कर दिया। हसन और हुसैन नवाज भी तलब, नोटिसेस फ्लैगशिप केसेस में जारी किए गए। नवाज शरीफ की नाहली और नैब को केस भेजने का फैसला सब जजेस का मुत्तफ़िक़ था। फैसले में बहुत मोहतात जबान इस्तेमाल की गई। मजीद तफसील में जाने पर शिकायत नहीं करना। पैनामा फैसला नजरसानी केस में जस्टिस एजाजुल अहसन के रिमार्क्स। समाअत कल सुबह 9:30 तक मुलतवी। FZE कंपनी से तनख्वाह लेने पर मौकफ नहीं सुना गया। असासे जाहिर न करने पर कामयाब उम्मीदवार को नाअहल नहीं करार दिया जा सकता। इंतखाबात को कलदम करार दिया जा सकता है। बराह रास्त नाअहली का तरीक़ाकार दुरुस्त नहीं था, इससे अपील का हक मुतासिर हुआ। तनख्वाह जाहिर ना करना गलती हो सकती है, बदनीयति नहीं। नवाज शरीफ के वकील ख्वाजा हारिस के दलाइल। क्या किसी इश्तिहारी के कहने पर वजीर आजम नाअहल हो सकता है? हमें इख्तदार नहीं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल अजीज है। शेख रशीद को अंग्रेजी में अपना नाम लिखना तक नहीं आता। तलाल चौधरी की तनकीद। अनुशा रहमान कहती है जिस बात पर नवाज शरीफ की नाअहली हुई उसकी दरख्वास्त ही दायर नहीं हुई थी। नवाज शरीफ अब भी साजिशों में मुलव्वस हैं। चेयरमैन नैब को फ्रांस में सफीर बनाने की पेशकश की गई। पीटीआई रहनुमा नईमुल हक का इल्जाम। फहद हसन फहद ने टेलीफोन करके चेयरमैन नैब को पेरिस में सफारत ऑफर की थी। चेयरमैन नैब कमर जमान चौधरी को कभी सफीर बनाने की पेशकश नहीं हुई। नईमुल हक का बयान गलत है। तर्जुमान नैब की वजाहत।